दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जायफल, दोस्तों जायफल आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, हर घर में किचन में रहता है, या मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, हर दुकानों में मिल जाता है ये। तो आज बताऊँगा कि जायफल के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों जायफल के कुछ बहुत ही बढ़िया और अजनबी फ़ायदे हैं जो आप लोग ध्यान सुने और समझे और मेरे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, तभी आप लोग सारी बात समझ पाएंगे। दास जायफल कितना यूजफुल और कितना सेहत के लिए ज़रूरी चीज़ है, इसको सबका सब आदमी को इसका प्रयोग करना ही चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया उमदा किस्म का एक तरह का ये मेडिसिन है, दवा काम करता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान सुने और मेरे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, तभी सारी बातें समझ पाएंगे। और दोस्तों नए व्यूअर से गुजारिश है, दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हुए देख के चले जाते। दोस्तों कम से कम दोस्तों आप लोग गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे सब्सक्राइब तो कर दिया करो चैनल को। दोस्तों मैं खुश हूँ, दोस्तों मैं ही गुरु दक्षिणा के, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए तो दोस्तों जायफल का चूर्ण बिकता है, या जायफल का खड़ा जायफल लावें, कूट कूट के कूट दे बारीक बारीक, और मिक्सी में पाउडर बना करके शीशी में बंद करके रख लें। एक गिलास दूध से एक चम्मच डेली खाने से, आधे ज़्यादा एक चम्मच नहीं खाना, आधे चम्मच खाना, खाना खाने के बाद इसको खाने से, पीने से दूध के साथ में चेहरे पे ग्लो बढ़ता है, जवानी बढ़ती है, उमंग आता है, ताजगी आती है, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, चेहरे पे शाइनिंग और ग्लो बढ़ जाता है। इसको ताज़े पानी के साथ लेने से यूटीआई इन्फेक्शन यानी पेशाब में इन्फेक्शन, पेशाब में जलन, मूत्र रोग की समस्याएं दूर हो जाती है। पेशाब पीला होना, लाल होना, काला होना, या मटमैला होना, जलन होना, ये सब इससे ठीक हो जाती हैं। दोस्तों किन्हीं को दर्द हो, कमर में गठिया टाइप का दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, इसको दूध से नियमित लेने पर सेवन करने से दर्द की बीमारी यानी हड्डी दर्द, कहीं भी गठिया वगैरह, जोड़ दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, इससे काफ़ी राहत मिलता है, आराम मिलता है, या सहायक चिकित्सक तौर पर इसका प्रयोग पहले ज़माने में किया जाता था। दोस्तों इसको दूध से या पानी से, दूध लें तो मीठा दूध लें, उसमें थोड़ी सी गुड़ वगैरह डाल दें, या ताज़ा पानी से लेने से आधे चम्मच प्रतिदिन से, या पाचन क्रिया का दुरुस्त करता है, खाना खुल के पचता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, भूख लगता है, यानी हाजमा को यह दुरुस्त करता है। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं यानी शुगर के रोगी हैं, इसे इसका ताज़े पानी के साथ सुबह शाम सेवन करना चाहिए, यह मधुमेह को कंट्रोल करता है, बढ़ने से रोकता है, अगर नियमित लिया जाए तो यह मधुमेह होने भी, शुगर होने भी नहीं देता है। दोस्तों इसको नियमित ताज़ा पानी से लेने से कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, नसों ब्लॉकेज को दूर करता है, सूजन वगैरह जो होती है नसों बॉडी में उसको काफ़ी कंट्रोल करता है और दूर करने में सहायता पहुंचाता है। कोई व्यक्ति यदि अवसाद में चला गया हो, डिप्रेशन में चला गया, हमेशा दुखी रहता हो, काम में जीने लगता हो, यानी वो अवसाद समझते हो ना, दुख में हमेशा दुख में रहना, सोचे पड़े रहना, थिंकिंग करते हुए रहना, ऐसे लोग यदि दूध से नियमित इसका सेवन करेंगे एक चम्मच सुबह शाम, तो इस सबसे अवसाद से दूर लेता है, नींद पूरा आती है, भरपूर आदमी निद्रा में भी सहायता करता है, अवसाद को यह दूर करता है। दोस्तों यह मर्दों में कामुकता और नपुंसकता, कामुकता को बढ़ाता है, नपुंसकता को दूर करता है, इसको हर यंग मैन को लेना ही चाहिए दूध से। बहुत ही आप लोग गांव में देखे होंगे ना, कि अब तो नहीं है सिस्टम में, लेकिन गांव में आज भी औरतें, गांव की औरतें बच्चों को इसको दूध में घंस के, अपनी दूध में घंस करके सिलबट्टे पे बच्चों को चटाती है, सुबह शाम चटाती है। ये हम लोग देखें, हम लोग समय में होता था, आज भी गांव में काफ़ी औरतें, जो पुराने औरतें बच्चों को सिलबट्टे पे घंस के दूध में और उसको चटाती है। दोस्तों ये बहुत ही इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बहुत ताकत देता है, बच्चों का शारीरिक विकास करता है, हड्डी को बढ़ाता है, बच्चे तगड़े लंबे और उमदा किस्म के जवान होते हैं, बताया ना, जवान को नपुंसकता भी दूर करता है। जिन लोगों को खांसी हो, इसको ताज़े पानी से, गुनगुने पानी से सुबह शाम एक चम्मच लेंगे तो खांसी, बलगम वगैरह ठीक करता है, बलगम निकाल के बाहर कर देता है, फेफड़े को साफ और स्वस्थ करता है। इसको यदि घी के साथ इसके पाउडर को मिक्स करके खाया जाए तो दोस्तों इसके बहुत ही गजब के फायदे हैं, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, यानी इसको
घी के साथ गोली बना के खाया जाए, बहुत तरह के अनेकों तरह के फायदे हैं, इसका असंख्य फायदे हैं, आप खुद खाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं एक सब कुछ नहीं बता सकते हैं यहाँ खोल के। ठीक है दोस्तों, इसको सुबह शाम आप लोग सेवन करें, फ़ायदा पहुँचाएं दोस्तों, 11 तरह के फायदे आप लोग बता दिए, आप लोग सेवन कर सकते हैं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, इसको बच्चा बूढ़ा जवान औरतें कोई यूज कर सकती है। ठीक है, और आप लोग यदि मेरा सलाह अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।